हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे पर्सन की जिनका फ्रंट हेयर लॉस हो गया था और ये अपने हेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते थे। इस बीच इन्होंने कई शैम्पू, मेडिसिन, मिनोक्सिडिल वगैरह यूज़ किया, लेकिन इन्हें कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। फिर इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च के बाद इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और फाइनली इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। इनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आया। इस 2 मिनट की वीडियो में मैं इनका रिजल्ट शो कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जिस पर्सन की बात कर रहा था वो ये है। देखिए, इस तरह का इनको बोल्डनेस था। बात करें इनकी एज की तो 23 ईयर इनकी एज थी जब इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनको 3rd स्टेज का बोल्डनेस था। हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा इनकी पीछे चली गई थी जिससे इनका लुक ही बिगड़ गया था। ये अपने बोल्डनेस से इतने ज़्यादा परेशान थे कि किसी भी कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कम एज में इस तरह के बाल झड़ जाना किसी बुरे सपने जैसा होता है, जो कि इन पेशेंट के साथ हुआ था। डोनर एरिया काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग था जिससे इनका रिजल्ट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वरना किसी किसी को 8 से 9 महीने भी अच्छे रिजल्ट आने में लग जाते हैं। ये इनके हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान की इमेज है। 2500 ग्राफ्ट इनको लगाए और इनका रिजल्ट आने में इन्हें 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद इनका जो रिजल्ट आया है वो अनबिलीवेबल है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये खुद सोचने लगे कि काश मुझे ऑयल और शैम्पू में इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। आज इनको हेयर ट्रांसप्लांट कराए लगभग 1 साल हो गया है गाइस। मेडिसिन लेना भी स्किप कर चुके हैं। ये इनके 3rd मंथ की इमेज है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 3 महीने बाद भी हेयर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना अच्छा रिजल्ट आने के बाद होता है। अब ये रही इनके फाइनल रिजल्ट की इमेज। 19 से अच्छा इनका रिजल्ट आया है गाइस। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनको 2500 ग्राफ्ट में कितना अच्छा इनका रिजल्ट आया है। देखा आप लोगों ने किस तरह का इनका रिजल्ट रहा। मुझे तो इनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हो। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में आगे भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।